क्या आपने भी मान लिया है कोरोना अब खत्म हो रहा है? क्या भारत से कोरोना का संकट खत्म हो चुका है? क्या अब दोबारा देश में कोरोना का खतरा नहीं होगा? अगर आप ऐसा सोचने वालों में हैं, तो संभल जाओ। कोरोना लौट रहा है और भी खतरनाक होकर लौट रहा है। लापरवाही नहीं, सुरक्षा में ही समझदारी है। समझदार हैं तो इशारा ही काफी है, क्योंकि इन दिनों कोरोना फिर से ब्रिटेन, रूस और चीन में अपना कहर बरपा रहा है। साल 2020 वाले दिन लौट रहे हैं। चीन में हाहाकार मचा है, रूस में भी मौत का तांडव हो रहा है। कोरोना वायरस के पैटर्न को समझिए। ब्रिटेन, रूस, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस के पैटर्न को समझना जरूरी है। भारत के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का समय ज्यादा खतरनाक होता है, चाहे साल 2020 हो या फिर साल 2021। इन महीनों में ही कोरोना ने भारत में तबाही मचाई थी। वहीं नवंबर से फरवरी के महीने में कोरोना ब्रिटेन, रूस, इटली, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में हावी रहता है, इसलिए संभलना जरूरी है। करीब 2 साल पहले शुरू हुए कोरोना वायरस के कहर के बाद वैक्सीन ही संजीवनी के रूप में सामने आई। कई देशों में वैक्सीन के दम पर पुराने दिन लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी वायरस के वेरिएंट बदलने से काफी नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूस, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप सहित कई देशों में घातक वायरस सिर उठाता दिख रहा है। आया वायरस का नया वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा COVID-19 के मामले ब्रिटेन और रूस में आए हैं। ब्रिटेन में 17 जुलाई के बाद से पहली बार 50,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक रहा, लेकिन अब डेल्टा का ही सब लाइनेज AY.4.2 वेरिएंट सामने आया है। इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।